मूसेवाला मर्डर केस। विदेशों में भी एक्शन शुरू। अर्जेंट बेजान में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन। विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग चलाने वाला और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई अर्जेंट बेजान में हिरासत में लिया गया है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसी को उसकी तलाश थी। सचिन बिश्नोई ने अपने दोस्त केकड़ा को सिद्धू मूसेवाले की रेकी करने के लिए भेजा था। इसके बाद ही हत्या को अंजाम दिया गया था। सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में अब विदेशों में भी एक्शन शुरू हो गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया है। सचिन बिश्नोई लॉरेंस की गैंग का बाहर से ऑपरेट करता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या में सचिन की भी भूमिका है। बिश्नोई गैंग के मूसेवाले की हत्या को अंजाम देने की जानकारी सचिन बिश्नोई को भी थी। जांच एजेंसी सचिन को हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बताती है। जानकारी के मुताबिक सचिन के पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। सचिन अपना पूरा नाम सचिन थापन लिखता है, जबकि उसके पास से तिलक राज टुटेजा के नाम से पासपोर्ट बरामद किया गया है। सचिन के पिता का असली नाम शिवदत्त है, जबकि फर्जी पासपोर्ट में उसके पिता का नाम भीमसेन लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें उसने पासपोर्ट में पता भी फर्जी डाला हुआ है। केकड़ा के बाद मूसेवाले के साथ सेल्फी ली और काफ़ी देर तक वहीं डटा रहा। जैसे ही मूसेवाला बाहर निकला तो केकड़ा ने पूरी जानकारी शूटरों को दे दी थी। इसके बाद शूटरों ने मूसेवाले की हत्या करने के लिए उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बता दें कि इस घटना को मास्टरमाइंड कनाडा में बैठा गोल्डी बराड भी बताया जा रहा है। गोल्डी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है।